साथियों, हमारा प्रयास है कि अब देश में एक भी ऐसा परिवार ना रहे जिसके घर पर एलपीजी कनेक्शन न पहुंचा हो। इसके साथ साथ इस योजना को और सुविधाजनक बनाने के लिए 5 किलो के सिलेंडर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। देश के अनेक इलाकों में पाइप से गैस पहुंचाने का काम भी तेजी से चल रहा है। भाइयों और बहनों, अब एक बहुत बड़ा मिशन लेकर हम चले हैं जिसका सीधा सरोकार भी आप सभी से है, देश की करोड़ों करोड़ों बहनों से है। आप सभी बहनों को पानी के लिए कितनी परेशानी उठानी पड़ती है इसका मुझे भली भांति एहसास है। देश की हर बहन को इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए ही जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन के तहत पानी बचाने के लिए, घर घर पानी पहुंचाने के लिए पूरा देश संकल्पबद्ध हुआ है। ये तय किया गया है कि आने वाले 5 वर्ष में लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए, 3.5 लाख करोड़ रुपए इस पानी के अभियान पर खर्च किए जाएंगे। आपने शायद सुना होगा, समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया जी 60-70 के दशक में उन्होंने पार्लियामेंट में एक भाषण किया था। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की महिलाओं की 2 प्रमुख समस्याएं हैं, उसका तत्काल हमने समाधान करना चाहिए। ये 60-70 के कालखंड में कही गई बात है, लोहिया जी के द्वारा कही गई बात है। कौन सी 2 समस्याएं बताई? उन्होंने कहा हिंदुस्तान की महिलाओं की 2 प्रमुख समस्याएं हैं, 1 पायखाना और दूसरा पानी। यानी महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है और महिलाओं को घर चलाने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। अगर इन 2 समस्याओं का समाधान करें तो इस देश की महिलाएं देश की समस्याओं का समाधान करने की ताकत बन जाएगी। लोहिया जी तो चले गए, सरकारें भी आई और चले गई, नेता भी आए और चले गए, एक हम ही हैं जिसने ठान ली है। हर घर में शौचालय भी होगा और हर घर में पानी भी होगा।